अजूस्पर्मिया, ये एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपके वीर्य में हमें कोई भी शुक्राणु नहीं दिखा जाता है जब आप टेस्टिंग के लिए देते हैं। अजूस्पर्मिया एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं। ये 5 to 10% ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के अंदर हो सकता है। अजूस्पर्मिया बेसिकली ये है कि जब आपने अपना सीमेन सैंपल दिया है तब हमें लिक्विड तो दिख रहा है बट अंदर हमें स्पर्म्स कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, यानी जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको चेक कर रहे हैं तो हमें अंदर एक भी स्पर्म्स नहीं दिख रहे हैं। इस केस को जो है हम अजूस्पर्मिया बोलते हैं। अजूस्पर्मिया के लिए हम कम से कम जो है 6 वीक्स अपार्ट 3 टेस्ट करके देखते हैं कि कंसिस्टेंटली ऐसे ही 0 स्पर्म काउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही आ रहा है तो फिर हम आगे उसका इवेल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास रिपोर्ट आती है बाहर से कि इनके केस के अंदर अजूस्पर्मिया है तो नॉर्मली हम जो है ये रेकमेंड करते हैं कि आपको एक IVF सेंटर में जाके दोबारा से सीमेन एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज इसको सेंट्रीफ्यूज करके अच्छे से सेडिमेंट बना के और एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, जिसके अंदर हो सकता है कई बार हमें स्पर्म्स दिखे, जिसको हम क्रिप्टोजूस्पर्मिया बोलते हैं। यानी अगर आफ्टर सेंट्रीफ्यूज अगर हमें स्पर्म्स दिख रहे हैं तो उसका मतलब कि इसको क्रिप्टोजूस्पर्मिया है, यानी प्रोसेसिंग के बाद हमें स्पर्म्स मिल रहे हैं। बट अगर आफ्टर प्रोसेसिंग भी अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो ये डेफिनेटली अजूस्पर्मिया है। अब अजूस्पर्मिया के लिए जो है, अजूस्पर्मिया यानी कि बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं दिखना हमें, इसके दो तरीके के कॉजेज होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया, दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। अब जो है नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजी क्या होता है कि ब्रेन सिग्नल देता है जो टेस्टिस की तरफ जाता है, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जब टेस्टिस पे जाके एक्ट करता है तो जो अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया या जो सेल्स होते हैं वो इस स्पर्म्स को बनाते हैं। तो अगर आपके हार्मोन सप्लाई जो है आपके टेस्टिस तक अच्छे से नहीं जा पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं होना। तो हम नॉर्मली जो है दो चीज़ें इवेल्यूएट करते हैं, एक कि क्या प्रोडक्शन स्पर्म्स का हो पा रहा है, दूसरा कि या प्रोडक्शन के बाद जो है स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि स्पर्म्स बनने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए जो है हम फिर आपका इवेल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हॉर्मोन टेस्ट, कि FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, ये जो बेसिक हार्मोन टेस्ट होती है ये हम करके चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं से ब्रेन से सिग्नल आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। कई बार जेनेटिक रीज़न भी होते हैं, यानी जो वाई क्रोमोसोम डिलीशन, यानी आपका जो एक कैरियोटाइप होता है उसके अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है कई बार उसका एक छोटा सा आर्म डिलीटेड होता है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं। या फिर जो है आपकी जो है टेस्टिस डेवलप नहीं होती है। अगर आपकी टेस्टिस का साइज छोटा है, जो हम एग्जामिनेशन पे या सोनोग्राफी पे पता कर सकते हैं, तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुई है और वो प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर में है, जिसकी वजह से स्पॉन्स नहीं बन पा रहे हैं। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर जो है टेस्टिस नीचे तक आ नहीं पाती है, यानी वो एब्डोमेन से जब हम बॉर्न होते हैं एब्डोमेन से जो टेस्टिस नीचे आनी चाहिए स्क्रोटल एरिया पे वो नहीं आ पाती है, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। उस केसेस के अंदर जो है स्पर्म्स हमें नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़े बहुत रीजन्स होते हैं जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के लिए होते हैं। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि आपकी जो चैनल्स बनी हुई है या जो ट्यूब्यूल्स बनी है जो हमारी टेस्टिस से कनेक्टेड होती है, जब टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं तो ये ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है बाहर आते हैं। तो अगर ये आपकी ट्यूब्यूल्स में कहीं पे भी कुछ भी ब्लॉक है तो ये स्पर्म्स नहीं आ पाते हैं। कई बार हमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लेते हैं, या TB हो जाता है, तो उन केसेस के अंदर जो है ये ट्यूब्यूल्स से जो है स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्यूब्यूल्स बंद हुई होती है। कई बार जो है ये जो वास डिफरेंस, जो मेन डक्ट होता है स्पर्म्स आने के लिए, हो सकता है कि वो डक्ट जो है, वास डिफरेंस जो है वो एब्सेंट हो। वो अगर आपका पहले से ही नहीं बना, यानी जमजात से नहीं बना है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं और वो स्पर्म्स जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। कोई भी इनमें से रीज़न हो तो हम जो है उसको इवेल्यूशन करके आपको प्रेगनेंसी के लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी से स्पर्म्स लेके यूज़ कर सकते हैं ICSI या IVF करने के लिए। ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्योंकि टीसा द्वारा जो भी हमें स्पर्म्स मिले होते हैं टेस्टिस में से, वो स्पर्म्स थोड़े से कमज़ोर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो हमें उनको मदद करनी पड़ती है इंजेक्शन द्वारा अंडों के अंदर डालने के लिए। वो जो सुई द्वारा हम अंडों के अंदर जो स्पर्म डालते हैं उससे जो आपका भ्रूण बनता है वो फिर आपके अंदर वापस ट्रांसफ़र किया जाता है।
तो ये रीजंस होते हैं एजोस्पर्मिया के लिए। और नॉर्मली इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी पड़ती है या टीसा करना पड़ता है, जिसको टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर आजकल जो है माइक्रो टीसे आ गए हैं जो आप आगे बढ़ सकते हैं आपके खुद के स्पर्म्स द्वारा बेबी होने के लिए।